वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है दीक्षा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एथमेटिक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम लोग कर लेंगे। बहुत इजी मेथड से हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट समझ लीजिए। अगर यही सम आपको CI में देता तो क्या होता, देखिए 8000 अगर आप किसी बैंक में रख रही है, कहीं पे रख रहे हैं 8000 रुपीज़, उसका 10% आपको अगर ब्याज मिलता, 2 साल के लिए रखते हैं, तो उसका क्या हो जाता, 10% 8000 का कितना हो रहा है, 800 रुपया। तो 2 साल में आपको 1600 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता, ठीक है, सिंपल एकदम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है आपको, ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। जैसे 8000 रुपये का 10% 800, वो 800 के रुपये फिर आपको जो है 10% 800 के ऊपर भी मिलेगा और 8000 के ऊपर भी मिलेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट आपको ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो पहला सम क्या है, फाइंड CI ऑन 8000 एट 10% पर एनम फॉर 2 साल के लिए, 2 ईयर्स। अब देखिए, ये सम्स को हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो आप जान लीजिए 10% होता क्या है, ये फ्रैक्शन में बदलना आप सीख लीजिए। 10% मतलब होता है 10/100, इसको काट देंगे तो 1/10 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को बोला है आपका जो है 8000 आपका प्रिंसिपल है, और 8000 के अगर आप 1/10 से गुना करेंगे तो 800 रुपया आ जाएगा। तो देखिए, 8000 के ऊपर पहले साल में इंटरेस्ट आया आपका 800, और फिर नेक्स्ट ईयर में भी 800। तो ये अगर सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे तो 800 रुपये आपका 1600 सिंपल इंटरेस्ट का हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बोला क्या, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए, ब्याज के ऊपर ब्याज मतलब ये 800 के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको सेकंड ईयर में। तो ये 800 से आप अगर 1/10 से गुना करेंगे तो 80 रुपये आ जाएगा। तो सेकंड ईयर में आपको ये 800 के ऊपर भी 80 रुपये मिल जाएगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, ये 800 और सेकंड ईयर में 800 + 80, ठीक है। तो 800 फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का आपका 880, तो आपको टोटल इंटरेस्ट 1680 हो गया दोस्तों। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बोल दूँ दोस्तों, अगर ये देखिए, ये जो है ये कंपाउंड एनुअली है, ये जो है आपका इंटरेस्ट जो है ये एनुअली आपको हर साल में कंपाउंड होते रहता है। ये सम आपको पूछ सकता है अगर कंपाउंड हाफ ईयरली हो, तो हाफ ईयरली अगर बोल दे जो हर आधा साल में आपको इंटरेस्ट जो है मिलता रहेगा, और इसमें क्या है, हर साल में आपको इंटरेस्ट जो है बैंक आपको इंटरेस्ट क्रेडिट देगा। लेकिन अगर कहीं पे आधा साल में 6 मंथ के बाद आपको बैंक अगर क्रेडिट इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता, होता क्या है, अगर ये हाफ ईयरली होता आप क्या करेंगे, रेट को आधा कर देंगे। हाफ ईयरली है मतलब साल में 2 बार, तो आप रेट को हाफ कर देंगे और ये जो टाइम है उसको डबल कर देंगे। नियम क्या है, हाफ रेट को हाफ कर देना है, हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार मिल रहा है आपको, तो रेट को हाफ कर देना है, और टाइम को है जो है वो डबल कर देना है। अगर ये क्वार्टरली होता, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, 3 महीना अंतर, तो 4 बार होता तो 4 टाइम्स होता, आपको क्या करते, रेट को 4 से डिवाइड करते और टाइम जो है उसको आप 4 से गुना कर देते, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिए, बाकी सब आपको सम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, अब बोला फाइंड CI ऑन 900 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए निकालने के लिए दिया है। अब 3 साल का भी सेम फंडा है, आप पहले 10% करेंगे तो 1/10 आ जाएगा रेट को। अब देखिए, आपको इंटरेस्ट क्या, प्रिंसिपल क्या है, 9000 है। अब 9000 का 1/10 से गुना करेंगे तो 900 रुपया, तो पहला साल 900, सेकेंड ईयर भी 900, थर्ड ईयर भी 900 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए, ये फर्स्ट ईयर जो 900 है उसके ऊपर 10% मिलेगा आपको, 90 रुपीज़, ये जो सेकेंड ईयर में मिलेगा। अब देखिए, थर्ड ईयर में आ जाइए, थर्ड ईयर में क्या है, ये 900 इसके लिए भी आपको 90 मिलेगा, और ये 900 इसके लिए भी आपको 90 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए, इसमें और एक 90 जुड़ रहा है, तो इसके ऊपर भी आपको मिलेगा, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट ये 90 रुपीज़ है उसके ऊपर भी मिलेगा, तो उसके ऊपर 9 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो टोटल है आपका सिंपल, ये ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टोटल आप जोड़ देंगे मतलब 900 900 900 प्लस 90 90 90 और 9, इसको जोड़ देंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 9900 है, 900 × 3, 90 कितना है, देखिए 1 2 3, 90 × 3 और ये 9 आप जोड़ देंगे तो 2979 आपका जो है आ जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट सम देख लेते हैं, CI ऑन 7000 एट 12.5% फॉर 2 ईयर्स। अब 12.5 कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। अब देखिए, ये क्या 1/8, ये 7000 से तो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है तो 7000 × 1/8 कीजिए तो आपका रेट तो ये चार्ट में तो नहीं आएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए हम लोग, और हम लोग को क्या पता है,
कोई भी रेट होता है वो क्या होता है, ये हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद नीचे वाला जो है प्रिंसिपल हो जाता है और ऊपर वाला आपका जो है वो इंटरेस्ट पोर्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग अगर 10% की बैंक में रखें तो मतलब क्या, 100 में से 10 रुपये हम लोग को जो है बैंक इंटरेस्ट देगा। ठीक है दोस्तों, तो सिमिलरली क्या है, 12.5% मतलब 100 में से 12.5% बैंक हम लोग को इंटरेस्ट देगा, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका जो है इंटरेस्ट हो गया। अब इसी प्रिंसिपल को हम लोग A8 को हम लोग प्रिंसिपल पकड़ लेते हैं। अब 2 साल का बोला है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, इसको हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपका 64 का इंटू 1 करेंगे तो 8 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा, सेकेंड ईयर में भी 8 रुपये आ जाएगा, सेकेंड ईयर में इस 8 के ऊपर फिर एक इंटरेस्ट आ जाएगा, तो कितना हो गया, 8, 8, 16 और एक 17 रुपये आपका CI हो गया। ठीक है, अब देखिए 17 रुपये जब हम लोग 64 जो सपोज किए तो उसका 17 रुपये आ रहा है, तो जब ये जब हम लोग का प्रिंसिपल 64 है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 17, जब हम लोग का प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 17/64, जब हम लोग का जो 7000 दिया हुआ है प्रिंसिपल 17000 होगा, 7000 होगा तो कितना हो जाएगा, तो 17/64 × 7000। ठीक है दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो देख लीजिए दोस्तों आंसर कितना आ गया आपका, 1859.37। ठीक है दोस्तों, इसका आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सम देख लेते हैं, नेक्स्ट सम क्या है दोस्तों, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन CI और SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 5% इज ₹122, फाइंड सम, आपको सम निकालने दिया है, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल। अब देखिए 5% क्या होता है, 5/100 मतलब 1/20 आ गया। अब हम लोग को देखिए प्रिंसिपल क्या करेंगे, तो फिर ये 1 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा, 20 प्रिंसिपल हो जाएगा, तो 20 स्क्वायर कर लेते हैं कि देखिए ये 3 साल का पूछा है तो इसको क्यूब कर लेंगे, 2 साल का होता तो स्क्वायर करते हैं, 3 साल का है तो क्यूब कर लेंगे, तो 20 का क्यूब कर लेंगे तो 8000 आ गया, तो उसका 400 करके आ गया। फिर ये 400 का 20 रुपीज़ आया, फिर थर्ड ईयर में क्या आएगा, ये 400 का 20, ये 400 का 20 और ये 20 का 1 रुपया, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए डिफरेंस क्या है, ये 400 400 400, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और डिफरेंस एक्चुअली यही है ना, 20 20 और 1, ठीक है 61 रुपीज़, ये 61 ही तो SI और डिफरेंस, क्योंकि ये SI है और इसको ऐड कर देंगे तो CI हो जाता है, तो यही डिफरेंस है, तो 61 आपका डिफरेंस हो गया। अब देखिए जब 61 डिफरेंस है तब हम लोग का प्रिंसिपल कितना है, 8000, जब डिफरेंस 121 तो हमको कितना होगा, तो हम लोग कर देने से 16000 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये इसमें क्या है, ये इतना अच्छा मेथड है, आपको कोई शॉर्टकट फार्मूला याद नहीं रखना है, हम लोग जस्ट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 साल का, इसमें 2 साल दिया हुआ है, 4% है, 100 रुपीज़ है, तो सम कितना है, तो 4% मतलब 1/25, 2 साल दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर 625, उसका पहला साल का 25, नेक्स्ट ईयर का 25, फिर ये 25 के रुपये 1 रुपया आ जाएगा, तो 1 रुपया, तो ये 1 रुपया जो डिफरेंस है हम लोग का SI और CI में, तो देखिए 1 रुपया जब है तो प्रिंसिपल हम लोग 625 है, जब हम लोग का डिफरेंस 100 रुपया बोल दिया है तो 100 रुपया का कितना होगा, 60/1/100, तो 625/00 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब बोला एट व्हाट रेट कंपाउंड ईयरली विल 80000 अमाउंट टू 88200 इन 2 साल में, अब 80000 कितना साल में, 88200 रुपीज़ हो जाएगा 2 साल में। अब देखिए मतलब देखिए 80000 बन रहा है 88200, मतलब अगर CI हम निकालेंगे तो 8200 का ही CI निकल रहा है। अब इसको चार्ट में देखें अच्छे गौर से करें तो 8200 मतलब 4000 तो होगा पहला 2 साल में, 4000 और ये 4000 के ऊपर 200 रुपये आएगा आपका इंटरेस्ट, तब जाके 4000 और 200 मतलब 8200 हो रहा है। अब देखिए मतलब क्या, ये 4000 के ऊपर ही तो 200 आया है, तो हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, ये 200/4000 × 100 कर देंगे तो 5% आपका आंसर आ जाएगा। कितना जल्दी आ गया दोस्तों, कोई आपको कुछ याद नहीं रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लीजिए, अ सम ऑफ मनी एट CI अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 साल, थ्राइस हो रहा है 3 साल में, तो इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 9 times and 27 times। अब 3 साल में तीन गुना हो रहा है 3 साल में, तो हमको पूछा है 9 times, तो 9 times 3 का कितना पावर में होगा, स्क्वायर आ जाएगा। आप क्या कीजिए, ये 2 को ये 3 से गुना कर दीजिए, मतलब 6 साल में हो जाएगा 9 times, और 27 times पूछा है, तो देखिए 3 का कितना पावर में 27 होता है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, ये पावर का 3 ले लीजिए और ईयर 3 पूछा है उसे गुना कर दिए, तो 3 × 3 तब आपका 9 years आ गया, तो 9 times बनेगा 6 साल में और 27 बनेगा 9 years में। ठीक है दोस्तों, कितना इजीली आपका आ गया। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट सम
एट व्हाट रेट एट सीआई विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times इन 3 years, 8 गुना बन रहा है 3 साल में। अब हम लोग को देखिए नॉर्मल सा छोटा सा फॉर्मूला क्या है रेट का निकालने का, वो है एम 1/T-1 × 100%। अब एम मतलब जितना टाइम्स है, तो कितना टाइम्स है 8 times है, और ये टी मतलब टाइम 3 साल दिया हुआ है, तो 8 1/3-1 × 100, 8 1/3 मतलब 2 हो जाता है, 2 - 100 मतलब 100% आ गया आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सम में क्या है, डिवाइड ₹3903 बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए शेयर ऑफ द एट द एंड ऑफ 7 years मे इक्वल टू द बी शेयर एट द एंड ऑफ 9 years। सीआई कितना रेट है आपका 4% है। तब देखिए पहला क्या काम करेंगे, अब बोल क्या रहा है 3903 रुपया को ए एंड बी में डिवाइड करना है, ऐसे हिसाब से डिवाइड करना है सो दैट ए का अमाउंट जो 7 साल बाद है और बी का अमाउंट जो 9 years के बाद होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करना कैसा है देखिए, फिर हम लोग रेट को कन्वर्ट कर लेते हैं, 4% मतलब 1/25 आएगा। अब देखिए अब होता क्या, ये ₹25 तो प्रिंसिपल है, अब उसके साथ ₹1 अगर आप इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा, तो 25 और 1 मिला देंगे तो ₹26 आपका अमाउंट हो जाता है। अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ₹25 आपका प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएगा 26 years। अब ए का 7 साल और बी का 9 years, तो देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 साल का, तो अगर ये 2 साल है तो हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंस 2 साल का है तो देखिए बी का हम लोग इसको कैसे मान लेंगे, अब 25 जो है 25 जो प्रिंसिपल आ रहा है उसको हम बी का अमाउंट मान लेंगे, बी को पकड़ लेंगे और जो आपका ₹26 वो है वो ए को कर लेंगे। अब देखिए 2 साल का डिफरेंस है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर ये 3 साल डिफरेंस होता तो हम लोग इसको क्यूब कर देते हैं, तो इसको स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे 676 आएगा, तो यही दो आपका जो रेशियो आ गया। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। अब देखिए क्या करना है, ए शेयर पूछा है तो 3903 × 676, ए का शेयर कितना, देखिए 676 बाई ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1301 आप करेंगे तो 2028 आ जाएगा। सिमिलरली बी का भी आएगा, बी का कितना है 625 625, फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 1031 होगा, करेंगे तो 1875 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ सी आई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एम इज 420, अब सी आई आपको दे दिया है तो फाइन प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, तो फिर हम लोग रेट को कन्वर्ट करेंगे तो 10% मतलब 1/10। अब प्रिंसिपल हम लोग कैसे करेंगे, फिर ये 10 का स्क्वायर कर देंगे, 2 साल पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ पुट किए तो ये 10 रुपया, ये 10 रुपया 2 साल का, और इस 10 रुपये के ऊपर फिर 1 रुपया इधर आ गया। अब देखिए हम लोग का क्या हो गया, अब हम लोग देखिए जहाँ तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना है 21 रुपया, जब मेरा सी आई 21 रुपया है तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना है 100, जब मेरा दिया हुआ है सी आई 420 तो हम लोग का कितना आएगा, तो ये आ जाएगा ₹2000। ठीक है, तो हम लोग का प्रिंसिपल ₹2000 आ गया, तो प्रिंसिपल 2000 आ गया। अब इस फॉर्मूला एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, हमको एसआई निकालने के लिए दिया है, एसआई का फॉर्मूला है P×T×R/100, तो प्रिंसिपल 2000, टाइम 2 साल है, रेट 10% है, डिवाइडेड बाय 100, तो आपको ₹400 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सम देख लेते हैं, इफ़ एसआई ऑन सर्टेन सम फॉर 3 years एट 5% इज ₹150, अब एसआई दिया हुआ है, सीआई पूछा है, अब देखिए रेट 5%, अब देखिए 5% मतलब 5/100 1/20 हो गया, अब इसको हम लोग क्यूब कर देंगे 8000, अब देखिए 8000 जब हो गया तो 8000 को हम लोग करेंगे पहला साल 400 400 400, ये आपका आ गया, फिर ये ₹20 ऐसे ऐसे करके आप बना लीजिए। अब देखिए मेरा एसआई कितना लिखा 1200 निकला, सीआई कितना निकला सब ऐड कर देंगे तो 126 आएगा। अब मेरा सीआई एसआई दिया कितना हुआ है ₹150, तो सीआई कितना बन जाएगा 1261/1200 × 150, तो 157.625 निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपको बोले इफ़ ₹4800 बिकम्स ₹6000 इन 4 years एट सर्टेन रेट एट सी आई व्हाट विल बी द सम आफ्टर 12 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो ये क्या देंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है। अब देखिए जो बन रहा है 6000 उसको पहले उसको ऊपर रखेंगे और 4800 उसको नीचे रखेंगे। अब मेरा पूछा क्या है 12 साल, उसको ऊपर करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे जो बन रहा था टाइम्स, उसको डिवाइड करेंगे और नीचे का क्या होगा 12/4 से फिर 1 माइनस कर देंगे, तो देखिए यहाँ 6000 के 12/4 मतलब 3 हो जाएगा, और इसका 12/4 करेंगे तो 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा, इसको आप ये करेंगे तो 9375 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते दोस्तों, फाइंड सी आई ऑन ₹10,000 फॉर 3 years इफ़ रेट इज़ 4% फॉर फर्स्ट ईयर, 5% फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% फॉर थर्ड ईयर। अब अलग अलग रेट अलग अलग साल के लिए दे दिया है, तो पहला काम क्या है, फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4% मतलब 1/25, 5% मतलब 1/20 एंड 6% मतलब 3/50। अब क्या करेंगे देखिए, फिर वही नियम है, ऊपर वाला क्या है इंटरेस्ट है, नीचे वाला प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो गया
25, और मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 25 प्लस एक 26, सेकेंड ईयर का 20 प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 21, थर्ड ईयर में मेरा 50 रुपये जो है प्रिंसिपल हो जाएगा, तो 50 रुपये प्रिंसिपल, और मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 50 प्लस 3 तो 53। आप दोनों को आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 25,000 और ये 28,938। अब जब मेरा प्रिंसिपल 25,000 है तो CI कितना है, तो देखिए ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो डिफरेंस आप करेंगे तो कितना आएगा आपका इंटरेस्ट 3,938 रुपये, जो आपका ये 28 से आप माइनस करेंगे तो 3938 आपका जो है CI आ जाएगा। तो जब मेरा प्रिंसिपल है 25,000, CI कितना है 3938, जब मेरा प्रिंसिपल बोला हुआ है 10,000, तो CI कितना हो जाएगा 3938 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 10,000 करेंगे तो 157.2 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अमाउंट इज ₹2028 इन टू ईयर्स एट 4% CI, देन प्रिंसिपल पूछें। फिर वही है, आपका 4% है तो उसको फ्रैक्शन में कर दीजिए 1/25। दो साल का पूछा है तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए 625, तो 625 आपका जो है वो प्रिंसिपल हो गया। तो पहले साल का 25 रुपया, फिर 25 रुपया, ये 25 के ऊपर एक 1। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 625 प्लस ये 51, तो 676 अमाउंट आ जाएगा। जब मेरा अमाउंट 676 है, प्रिंसिपल कितना है 625, जब मेरा अमाउंट 2028 दिया हुआ है तो मेरा प्रिंसिपल कितना होगा 625 by 676 into 208, तो करेंगे तो 1875 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है। इफ़ अ सम 625 बिकम्स 676 इन टू ईयर्स, 625 रुपया 676 हो रहा है दो साल में, तो फाइन रेट पूछा है। अब देखिए दो साल में पूछा है तो मेरा प्रिंसिपल जो है 625 है, अमाउंट कितना 676 है, दो साल का पूछा है तो इसको स्क्वायर रूट कर दीजिए, दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 रुपया इसका 26 रुपया आ गया। मतलब देखिए इंटरेस्ट कितना है 1 रुपया, तो 1 रुपया प्रिंसिपल कितना है 25 × 100 कर दीजिए तो 4% आपका रेट आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ अ सम ₹2744 बिकम्स 4096 इन 3 ईयर्स, फाइन रेट आपको पूछ रहा है, तो ये 3 साल का दिया हुआ है तो ये प्रिंसिपल है 2744, अमाउंट कितना है 4096, अब 3 साल दिया है तो इसको क्यूब रूट कर दीजिए, क्यूब रूट करेंगे तो 14 और 16 आएगा, तो ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, तो 2 रुपये आपका जो है इंटरेस्ट है, तो 2 रुपये इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल 14 × 100 कर देंगे तो 14 × 2/7 आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए 16 जो सम्स है इसी में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कवर हो जा रहा है। आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, एम टायरा का बुक कर लीजिए, उसके साथ आप चैप्टर वाइज मैथ्स का, किरण का, पब्लिकेशन का कर लीजिए सब सम्स, कोई भी सम्स आपका छूटेगा नहीं इस मेथड से। और सबसे ईजी क्या है, आपको कोई फार्मूला याद नहीं रखना है, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप ईजी स्टेप में कर सकते हैं दोस्तों इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, टिल देन गुड नाइट।